हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ सर्वर 2022 में फेलोवर क्लस्टर कैसे कन्फिगर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फेलोवर क्लस्टर एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर का फीचर है। ये सॉफ्टवेयर है जो कि दो या दो से ज़्यादा सर्वरों के कनेक्शन का एक क्लस्टर बनाता है, जो हाई अवेलेबिलिटी एंड ईजियर मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है डेटा और एप्लीकेशन के लिए। फेल ओवर क्लस्टरिंग ऑटोमेटिकली तरीके से सर्वर या एप्लीकेशन का फेलियर का पता लगाता है। फेल ओवर क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक डोमेन कंट्रोल चाहिए होगा, हमें दो सर्वर चाहिए होंगे, नोड वन एंड नोड टू। हमें एक आईपी चाहिए होगी जो कि हम क्लस्टर के लिए यूज़ करेंगे, और हमें तीन शेयर डिस्क चाहिए होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तीन मशीन मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं, सर्वर नोड वन एंड नोड टू। मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ आईपीसी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर भी इंस्टॉल कर रखा है techno.com के नाम से। इसका आईपी एड्रेस हम देख लेते हैं। देखिए, इसका आईपी एड्रेस 10.0.0.2। अब हम नोड वन पे जाते हैं, इसका भी हम आईपी एड्रेस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हम डोमेन से ज्वाइन करवाएंगे जो हमारा techno.com है। मैं सिंपली एडवांस सेट सिस्टम सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर मुझे कंप्यूटर नेम पे क्लिक करके चेंज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना डोमेन नेम डालता हूँ techno.com, और ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरा डोमेन के क्रेडेंशियल पूछ रहा है, तो मैं अपना डोमेन क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरा जो आईपी एड्रेस है वो दिखा रहा है 10.0.0.10। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये देखिए, डोमेन में ज्वाइन हो गया है। इसको ओके कर देते हैं, इसको क्लोज पे क्लिक कर देते हैं, रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब हम सेकंड नोड पे जाते हैं, नोड टू। इस पर भी हम आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.20। अब इसे भी हम डोमेन में ज्वाइन करा लेते हैं। मैं सिंपली माई पीसी खोलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं क्लिक करता हूँ एडवांस सिस्टम सेटिंग में एंड कंप्यूटर नेम पे, नेम के टैब पे जाता हूँ। यहाँ पर चेंज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डोमेन का एक एडिट बटन, उस पर क्लिक करके यहाँ पर डोमेन का नाम ले देता हूँ techno.com, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं अपना डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करके क्लोज कर देते हैं एंड रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरा नोड वन एंड नोड टू दोनों डोमेन से ज्वाइन हो चुका है और रिस्टार्ट हो रहा है। मैं सिंपली अपने सर्वर पर जाता हूँ। यहाँ पर डैशबोर्ड पे आके ऐड रोल इन फीचर्स पे क्लिक करता हूँ। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ विजार्ड ओपन हो गया। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरी कुछ सर्वर्स की डिटेल आ गई है, सर्वर नेम एंड आईपी एड्रेस। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे वो रोल इंस्टॉल करना होगा जो कि SKG टारगेट सर्वर, ये रहा SKG टारगेट सर्वर। इसको हम चेक मार्क पे क्लिक कर देते हैं और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये मेरा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको अपने जो डोमेन पर जो मैंने कंप्यूटर ज्वाइन किया वो दिखा देता हूँ। सिंपली टूल्स पे क्लिक करता हूँ, अपना ADDS खोलता हूँ।
डोमेन जो है मेरा उसको एक्सपेंड करता हूँ। फिर देखिए मैं कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए मेरा नोट वन और नोट टू कंप्यूटर है, दोनों ज्वाइन हो चुके हैं मेरे डोमेन में। इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए मेरा ये सक्सेसफुल हो इंस्टॉल हो चुका है इसके लिए सर्वर। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ डिस्क क्रिएट करनी पड़ेंगी, वर्चुअल डिस्क। तो मैं एस के जी सर्वर पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ और न्यू एस के जी वर्चुअल डिस्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए विजार्ड ओपन हो गया है डिस्क लोकेशन का। मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे हार्ड डिस्क का नाम देना होगा। हम यहाँ देते हैं कोरम और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे साइज़ देना पड़ेगा हार्ड डिस्क का, मैं 1 GB दे देता हूँ। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे न्यू टारगेट बनाना है अभी, तो मैं सिंपली न्यू पर रख के नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे टारगेट का नाम दे देते हैं, अगेन मैं लिख देता हूँ कोरम और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐड कराने होंगे अपने इनिशिएटर, तो मैं सिंपली ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए एंटर वैल्यू पे क्लिक करके नीचे अपना आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे अपने नोड के आईपी एड्रेस देने होंगे, तो मेरा नोड वन का आईपी एड्रेस 10.0.0.10, इसको मैं ओके कर देता हूँ। एंड अगेन ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सेम स्टेप द्वारा फॉलो करते हैं। अब मैं अपने नोड टू का आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 10.0.0.20 और ओके कर देता हूँ। तो देखिए मेरे दोनों नोड यहाँ पे ऐड हो चुके हैं जो मेरे इसके जी टारगेट है। इसको हम अगेन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, अभी हम इसको कुछ भी इनेबल नहीं कर रहे, तो उसको वैसे से रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशन पेज आ गया है। यहाँ पे डिस्क लोकेशन और डिस्क प्रॉपर्टीज वगैरह दिखा रहा है। अब मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए मेरी वर्चुअल डिस्क क्रिएट हो गई है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी हमने एक डिस्क क्रिएट किया, अभी हमें दो और करनी पड़ेगी। तो मैं सिंपली टास्क पे अगेन क्लिक करता हूँ और न्यू इसके लिए वर्चुअल हार्ड डिस्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगेन सेम स्टेप फॉलो करेंगे, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्क का नाम दे देते हैं डेटा डिस्क और सिंपली नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हार्ड डिस्क का साइज़ दे देते हैं, मैं दे देता हूँ 1 GB। यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सिंपली नेक्स्ट करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए अगेन नेक्स्ट करते हैं एंड क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए मेरी दो हार्ड डिस्क क्रिएट हो चुकी है, अभी एक हार्ड डिस्क और क्रिएट करनी है। तो मैं सिंपली अगेन टास्क पे क्लिक करता हूँ। एंड जो स्टेप हमने पहले लिए थे अगेन वही स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डिस्क का लॉग डिस्क, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे साइज भी दे देते हैं 1 GB एंड अगेन नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए अगेन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन पेज आ गया है, मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरी 3 हार्ड डिस्क क्रिएट हो चुकी हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट थी, क्वारम डाटा डिस्क एंड लॉग डिस्क। अब हम अपने नोड वन पर जाते हैं। इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेटर से, डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से। लॉगिन करने के बाद हमने जो हार्ड डिस्क क्रिएट की थी उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मैं सिंपली टूल्स पर जाता हूँ, डैशबोर्ड पर जाके और SKG इनिशिएटर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए सर्विसेज मेरी स्टॉप है, इसको हम यस कर देंगे तो मेरी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। इसको हम यस कर देते हैं।
तो देखिए मेरी एसकेजी इनिशिएटर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं अपना टारगेट दे देता हूँ। मेरा टारगेट है 10.0.0.2 जो मेरे सर्वर की आई पी है। यहाँ पे देखिए मेरा कनेक्टेड दिखा रहा है, इसको हम डन कर देते हैं। अगेन वॉल्यूम डिवाइसेस पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑटो कन्फिगर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे तीनों हार्ड डिस्क यहाँ पे दिखा रहा है जो कि ऐड हो चुकी है मेरे नोड वन पे। इसको हम ओके कर देते हैं। अब मैं सिंपली डिस्क मैनेजमेंट पे जाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ स्टार्ट मेन्यू पे एंड डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्क मैनेजमेंट का कंसोल ओपन हो गया है। यहाँ देखिए मेरे तीनों हार्ड डिस्क दिखा रहा है जो कि अभी ऑफलाइन है, हम इसको ऑनलाइन करेंगे। मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ। तीनों हार्ड डिस्क पर सेम स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए मेरे हार्ड डिस्क ऑनलाइन हो गया। मैं सिंपली इसको इनिशियलाइज करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और इनिशियलाइज डिस्क पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए तीनों हार्ड डिस्क दिखा रहा है, इसको ओके कर देंगे। अब मैं सिंपली एक हार्ड डिस्क पे क्लिक करता हूँ एंड न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें सिंपल नेक्स्ट 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 करना है। और ये देखिए मेरी हार्ड डिस्क क्रिएट हो चुकी है। तो तीनों हार्ड डिस्क को हम ऐसे ही क्रिएट कर लेंगे। ये तीनों हार्ड डिस्क मेरे नोड वन पे माउंट हो चुकी है। हम सेम स्टेप यही फॉलो नोड टू पे करेंगे। ये मेरा नोड टू है, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से। लॉगिन होने के बाद हम सेम स्टेप वही फॉलो करेंगे जो हमने नोड वन पे किया था। यहाँ पे भी हमें वही हार्ड डिस्क को अटैच करना है अपने नोड टू पे, माउंट करनी है। देखिए डैशबोर्ड ओपन हो गया मेरा। मैं सिंपली टूल्स पे जाता हूँ और एसकेजी इनिशिएटर पे क्लिक करता हूँ। इसको यस कर देते हैं, इससे हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी एसकेजी सर्वर की। यहाँ देखिए एसकेजी इनिशिएटर प्रॉपर्टीज ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे अपने सर्वर का आईपी एड्रेस देना होगा जो है 10.0.0.2। क्विक कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए कनेक्टेड हो गया, डन कर देंगे। वॉल्यूम एंड डिवाइसेस पे जाएंगे, ऑटो कॉन्फ़िगर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए तीनों हार्ड डिस्क दिखा रहा है, इसको हम ओके कर देंगे। अब सिंपली मैं स्टार्ट मेन्यू पर ऐड क्लिक करूँगा। एंड डिवाइस मैनेजमेंट पे जाएंगे, सिर्फ डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क दिखाना चाहिए, ये देखिए मेरी तीनों हार्ड डिस्क दिखा रहा है। अब इसको हम ऑनलाइन कर देते हैं। क्या ऑनलाइन करते ही ऑटोमेटिकली माउंट हो चुकी है। अब हम अपने नोड वन और नोड टू पे एक रोल ऐड करेंगे जो कि है फेलओवर क्लस्टर का। मैं सबसे पहले अपने सर्वर पर जाता हूँ, यहाँ भी मैं वाला रोल ऐड कर देता हूँ फेलओवर क्लस्टर का। सिंपली ये रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ विजार्ड ओपन हो गया, नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मेरी सर्वर की डिटेल है, अगेन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देखिए फेलओवर क्लस्टर का जो रोल एक्चुअली वो फीचर है, तो हम फीचर्स टैब में जाएंगे। यहाँ पे हम फेलओवर को क्लस्टर को सिलेक्ट कर लेंगे एड फीचर्स पर क्लिक करके। सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ये मेरा सर्वर पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया फेलओवर क्लस्टर का फीचर। हम सेम स्टेप नोड वन एंड नोड टू पे फॉलो करेंगे। नोड वन अभी मैंने अपना ये सर्वर ऑन कर लिया है, यहाँ पर भी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। मैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करता हूँ, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अगेन नेक्स्ट पे। यहाँ पे मेरे सर्वर की कुछ डिटेल्स हैं, देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद रोल ऑलरेडी, क्योंकि ये फीचर्स है तो फीचर्स में आएगा। यहाँ पे हम फाइल सर्वर का रोल भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम फाइल सर्वर का फेलओवर क्लस्टर बनाएंगे, इसलिए हमने फाइल ओवर क्लस्टर का फाइल सर्वर का रोल ऐड कर लिया है और फेलओवर क्लस्टर का फीचर भी पे भी क्लिक कर दिया है। अब अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फेलओवर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे।
अब मैं नोट टू पे जाता हूँ और सेम स्टेप वही फॉलो करता हूँ जो नोट वन पे किया था। यहाँ पर ही हम फाइल सर्वर का रोल और फेलोवर का फीचर्स को हम ऐड कर देते हैं। सिंपली रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे विदाउट ओपन हो गया, इसको नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर भी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम फाइल एंड स्टोरेज पे क्लिक एक्सपेंड करते हैं, इसको भी एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए फाइल सर्वर का रोल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर फीचर्स है, फेलोवर क्लस्टरिंग का एक फीचर है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एड फीचर्स पर क्लिक करते हैं, अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये फीचर्स मेरे तीनों सिस्टम पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ये मेरा नोट वन है, नोट टू है, तो दोस्तों देखिए सर्वर साइड पे तो मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। सर्वर को मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए नोड वन पे भी इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। इसको क्लोज कर देते हैं। नोड टू पे अभी इंस्टॉलेशन चल रही है, यहाँ देखिए ये भी सक्सेसफुल हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब नोड वन पे जाते हैं और फेलोवर क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। सिंपली मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए फेलोवर क्लस्टर का फीचर आ गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों फेलोवर क्लस्टर का कंसोल मेरे सामने ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे कोई भी फेलोवर क्लस्टरिंग का कोई भी रोल ऐड नहीं है। सिंपली हम क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए विजार्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे हम सिंपली नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा जो नोड टू और नोड वन है उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों सर्वर क्लस्टरिंग के लिए यूज़ करने हैं। हमें ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइंड नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए नोड वन एंड नोड टू दिखा रहा है, हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, अगेन ओके कर देते हैं। तो देखिए दोनों सर्वर पर यहाँ पे ऐड होने स्टार्ट हो गए, देखिए ऐड हो चुके हैं दोनों सर्वर। मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए वैलिडेशन वार्निंग दिखा रहा है, येस और नो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप येस करेंगे तो ये अभी स्टार्ट कर देगा, नो करेंगे तो इसको हम लेटर बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी हम येस पे डिफॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे विजार्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ है, द विजार्ड रन्स वैलिडेशन टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर दिस कॉन्फिगर और रेफर अटैच स्टोरेज। तो यहाँ पे ये वैलिडेट करेगा इसको। सिंपली नेक्स्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे रन ऑल करना है या कोई स्पेसिफिक टेस्ट पे क्लिक करना है, तो हम ये रन ऑल करेंगे और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए ये किस चीज़ को वैलिडेट करेगा, यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है। सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा वैलिडेशन स्टार्ट हो गया। वैलिडेट कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो रिपोर्ट पे क्लिक करके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा सक्सेस हुआ है, कहाँ कहाँ वार्निंग आ रही है। मैं व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पेज ओपन हो गया, वेब पेज। यहाँ देखिए कुछ डिटेल्स दिखा रहा है, वार्निंग है, नेटवर्क पे वार्निंग है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग है, बाकी सब सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब हम इस वेब पेज को क्लोज कर देते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सेस पॉइंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर द क्लस्टर, यहाँ पे मुझे अपने क्लस्टर का नाम देना होगा। जब हम क्लस्टर बनाएंगे मैं नाम दे देता हूँ फाइल सर्वर, फाइल क्लस्टर सॉरी। और यहाँ पे मुझे अपना आईपी एड्रेस देना होगा क्लस्टर का, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए मेरा कन्फर्मेशन पेज आ गया है और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्या क्या इसमें आएगा, क्लस्टर रजिस्ट्रेशन किस आई पी से होगा। सिंपली नेक्स्ट क्लिक करते हैं। क्लस्टर मेरा जो है वो हमने बनाया था वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं अपने क्लस्टर की आई पी दे देता हूँ 50। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ।
एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरा क्लस्टर बन चुका है, इसको मैं हम फिनिश कर देते हैं। यहाँ देखिए मेरा क्लस्टर दिखा रहा है, उसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे देखिए कि कुछ समरी है, नेम आ गया है, क्लस्टर होस्ट सर्वर आ गया है, विटनेस आ गया है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर रोल्स में देखते हैं। अभी हमने कोई रोल ऐड नहीं किया इसमें, तो यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। हम नोट्स पे जाते हैं, यहाँ देखिए मेरा दोनों नोट अप दिखा रहा है, ये अप स्टेट पर है, नोट वन एंड नोट टू। अब स्टोरेज टैब में आते हैं, यहाँ देखिए मेरी डिस्क दिखा रहा है, तीनों डिस्क जो हमने इसमें ऐड करी थी। फूल सभी हमने कोई क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर ब्लैंक है। यहाँ पर देखिए नेटवर्क मेरा अप दिखा रहा है, ये क्लस्टर नेटवर्क जो हमने बनाया था। अब हम इसे एक रोल ऐड करेंगे, सिंपली रोल में जाता हूँ। यहाँ पर राइट साइड में देखिए कॉन्फ़िगर रोल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अगेन विजार्ड ओपन हो गया, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। हम यहाँ फाइल सर्वर के लिए क्लस्टर बना रहे हैं, तो मैं सिंपली फाइल सर्वर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है, फाइल सर्वर फॉर जनरल यूज़, तो हम इस पर ही रखते हैं ऑप्शन और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मुझे अपने फाइल सर्वर का नाम देना होगा, तो मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे फाइल सर्वर, और फाइल सर्वर का एक आई पी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 10.0.0.150। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए मेरी तीन हार्ड डिस्क थी, दो हार्ड डिस्क दिखा रहा है। एक हार्ड डिस्क मेरी कोरम के लिए ले लिया है, जो मेरी डिटेल्स थी फाइल क्लस्टर की होगी सब उसके अंदर आएंगी, और दो हार्ड डिस्क को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ कन्फर्मेशन पेज आ गया है, मेरा फाइल सर्वर का जो आई पी एड्रेस है वो 150 है, और यहाँ पे क्लस्टर डिस्क दिखा रहा है मेरे दोनों। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया है, अब मेरा ये क्लस्टर बन गया है। यहाँ पे समरी आ गई है, सॉरी फाइल सर्वर ऐड हो गया है, समरी आ गई है। मैं फिर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए सर, देखिए दोस्तों मेरा फाइल सर्वर रोल ऐड हो चुका है मेरे क्लस्टर में। अब इसके अंदर हम शेयर फोल्डर बना लेते हैं। मैं सिंपली ऐड फाइल शेयर पे क्लिक करता हूँ। देखिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, SMB शेयर क्विक और NFS शेयर क्विक। NFS होता है यूनिक्स के लिए या लिनक्स के लिए, तो अभी हम विंडोज़ के लिए बनाएंगे, तो SMB बनाएंगे। मैं सिंपली SMB शेयर क्विक पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए मैंने दोनों हार्ड डिस्क दिखा रहा है जो हमने ऐड कर रखी थी इसमें। अब सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे शेयर फोल्डर का नाम देना होगा, मैं नाम दे देता हूँ शेयर, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इनेबल एक्सेस बेस्ड एनुमिनेशन पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए कुछ परमिशंस हैं, आप चाहते थे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं अभी इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए कन्फर्मेशन पेज आ गया है, फाइल सर्वर है और ये फोल्डर शेयर जो हमने बनाया था ये दिखा रहा है इसके अंदर। अब क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है शेयर नाम से। अब हम एक फोल्डर और क्रिएट कर लेते हैं, हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने शेयर वन पे किया था। ऐड शेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे SMB शेयर क्विक पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे शेयर फोल्डर का नाम देते हैं शेयर वन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इनेबल कर देते हैं इसको, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ परमिशन से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो दो शेयर फोल्डर मेरे क्रिएट हो चुके हैं मेरे क्लस्टर के अंदर। अब हम चेक करेंगे कि ये जो शेयर मेरी फाइल सर्वर है तीनों सिस्टम पे एक्सेस हो रही है या नहीं। पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं क्लस्टर की आईपी को, सॉरी फाइल सर्वर की आईपी को। तो देखिए मेरा फाइल सर्वर एक्सेस हो रहा है। अब हम नोड वन पे जाके चेक करते हैं। ये मेरा नोड वन है, सॉरी नोड टू है।
यहाँ भी हम एक्सेस करके देखेंगे अपने फाइल सर्वर को कि एक्सेस हो रहा है या नहीं। मैं सिंपली रन कमांड में जाता हूँ, यहाँ पे cmd टाइप करता हूँ, सॉरी आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ अपने फाइल सर्वर का, और देखिए मेरा यहाँ पे फाइल सर्वर यहाँ भी एक्सेस हो रहा है नोट टू पे। अब हम अपने सर्वर पर जाके चेक करते हैं कि फाइल सर्वर वहाँ भी एक्सेस हो रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं रन कमांड में जाता हूँ, यहाँ पे अपने फाइल सर्वर का आईपी एड्रेस डालता हूँ जो कि है 10.0.0.150, उसको ओके कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी एक्सेस हो रहा है, तो मेरा फाइल सर्वर में नेटवर्क पे एक्सेस हो रहा है। हम अपना एक जो नोड वन है उसको हम डाउन करके देखते हैं कि हमारा क्लस्टर वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए मेरा नोड वन और नोड टू अप कंडीशन में है, तो मैं नोड वन को शट डाउन कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा जो क्लस्टर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। इसको हम शट डाउन कर देते हैं। दोस्तों देखिए नोड वन मेरा डाउन हो चुका है। अब हम अपना फेलोवर क्लस्टर को एक्सेस करके देखेंगे सर्वर साइट पे, सॉरी नोड सर्वर साइट पे। यहाँ पे मैं अगेन टाइप करता हूँ रन कमांड जाके फाइल सर्वर की आईपी। देखिए मेरा फाइल सर्वर अभी भी एक्सेस हो रहा है, मेरा नोड वन डाउन है लेकिन मेरा फाइल सर्वर अभी एक्सेस हो रहा है। मैं नोड टू पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपना टूल्स पर जाते हैं और चेक करते हैं कि मेरा जो नोड वन है और नोड टू है वो किस कंडीशन में दिखा रहा है। दोस्तों देखिए यह कॉन्फ़िगरेशन जो हमने नोड वन पे की थी नोड टू पे ऑटोमेटिकली आ गई है। ये देखिए इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और रो के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखिए फाइल सर्वर दिखा रहे हैं आप कंडीशन में, और नोड टू में जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए मेरा नोड वन और नोड वन एंड नोड टू, नोड वन मेरा यहाँ डाउन दिखा रहा है और नोड टू अप दिखा रहा है। तो जो मेरा फाइल क्लस्टर सर्वर है वो मेरे नोड टू से मुझे सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। ये देखिए मेरा, मैं सर्वर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ अगेन अपना फाइल सर्वर, इसको ओके करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा फाइल सर्वर अभी भी एक्सेस हो रहा है। तो ये मेरा फाइल सर्वर जो है मेरा नोड टू से एक्सेस कर पा रहा हूँ, मेरा नोड वन डाउन हो चुका है, जो मेरा क्लस्टर था हमने प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।